मुझे सिंचन पिंचन ने ना जंगल में बुलाया था, लेकिन किस लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। और ये लोग है कहाँ पर? ये सामने से कौन आ रहा है यार? एक मिनट यार, ये तो एक शेर का बच्चा है। ओ माय गॉड, और इसकी पीठ पर क्या रखा है? एक मिनट, ये तो गाइस मुझे इतने सारे पैसे लग रहे हैं। हेलो बाबले, मैं देखा तो मजे आ गए। भागो, ये तो बोलता भी है। ओ माय गॉड, शेर का बच्चा कैसे बोल सकता है? अरे भागो यहाँ से, वो मुझे काट ना ले। सॉरी, मुझे मत काटना। अरे अरे अरे, गलती से कहाँ गिर गया मैं? नहीं बचाओ, सिंचन पिंचन बचाओ। लोगों ने मुझे जंगल में बुलाया और बताया भी नहीं कि क्यों बुलाया। मेरी तो हालत खराब हो गई। लेकिन दोस्तों, शुक्र की बात है मैं उस बच्चे से बच गया। लेकिन एक मिनट दोस्तों, शेर के बच्चे के पास इतना सारा पैसा क्या कर रहा है? और शेर का बच्चा बोल कैसे सकता है? ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है यार। आप लोगों ने कभी किसी शेर के बच्चे को बोलते हुए देखा है? नहीं देखा है ना तो कमेंट में नो लिखो। देखा है तो यस लिखो। मैंने तो नहीं देखा था अभी तक, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ। गाइस, कुछ तो राज है उस बच्चे में। वो शेर का बच्चा है भी या नहीं? दिखने में तो लग रहा था। उसके पास इतना सारा पैसा क्यों? और बोल रहा था उसको मजे आ गए। गाइस एक मिनट, वो बच्चा क्या कर रहा है इतने सारे पैसों के साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। गाइस कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर अभी समझ लेंगे। देखिए ये बच्चा यहाँ पर इतने सारे पैसे रख कर, एक मिनट, यहाँ पर सिर्फ पैसे नहीं है गाइस, ये बच्चा तो यहाँ पर किसी का स्मार्टफोन भी चुरा कर लिया है। अरे बापले, आज तो मैं एलिमेंटल लायन गॉड बन जाऊंगा। क्या एलिमेंटल लायन गॉड? ये एलिमेंटल लायन गॉड क्या होता है? शायद कुछ तो उल्टा सीधा होता होगा, पता नहीं गाइस। लेकिन ये करना क्या चाह रहा है? मैं जल्दी से साले पैसों से बहुत ही बढ़िया लायन अल्टीमेटल की शूट से बहुत बढ़िया खरीद लूंगा। गाइस ये क्या बोल रहा है? एक मिनट, वो बोल रहा है शायद, ओ माय गॉड, ये $100 million में किसी लायन का सूट खरीद रहा है। व्हाट, ये क्या चल रहा है दोस्तों यहाँ पर? ये तो फायर एलिमेंटल लायन गॉड बन गया। हेलो वाह, मेरे पास तो फायर एलिमेंटल की पावर आ गई। अब तो मैं यहाँ पर जब चाहूँ आग निकाल सकता हूँ। क्या, मैंने शेर को जानवरों को मारते और खाते हुए देखता है, जंगल पे राज करते हुए देखा है, लेकिन कभी भी मुंह से आग निकालते हुए नहीं देखा। लेकिन ये बोल रहा है मुंह से आग, अरे कैसे नहीं, अरे एक मिनट गाइस, हाँ ये फायर एलिमेंटल भी तो है गाइस, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, ये फायर एलिमेंटल लायन कैसे हो सकता है? हेलो वाह वाह वाह, मैंने तो मुंह से आग निकाल दी। व्हाट गाइस, उसने आग निकाली अपने मुंह से और देखिए कितनी बड़ी जगह में आग लगा दी। ये तो लिटरली में फायर एलिमेंटल लायन गॉड बन गया। पहले तो ये साधारण लायन गॉड था, मतलब लायन बीबी था, अभी तो ये फायर एलिमेंटल। अरे गाइस, मुझे भी यहाँ पर कोई एलिमेंटल लायन का सूट वूट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। एक मिनट गाइस, ये जहाँ कप रहा है, अब मैं जंगल का नया राजा। मेरे को तो बहुत ज्यादा मजे आ गए गाइस, मुझे भी अपनी इज्जत करवानी है। एक मिनट गाइस, वो बच्चा शायद अपना स्मार्टफोन तो यहीं छोड़ के चला गया। देखता हूँ गाइस, क्या पता वो स्मार्टफोन यहीं कहीं छोड़ के चला गया। अरे यार प्लीज मिल जाए स्मार्टफोन, सारे पैसे तो उसने खर्च कर दिए खुद का सूट। एक मिनट गाइस, वो रहा स्मार्टफोन, क्या बात है, अभी से स्मार्टफोन का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो दोस्तों, मैंने फोन ले लिया है, एक काम करते हैं जल्दी से। अरे यार ये लॉक्ड क्यों है वेबसाइट? आइडिया, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। हो जा। वाह, नहीं हुआ गाइस, प्लीज लाइक बटन दबाओ और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करो, फिर वेबसाइट हमारी अनलॉक हो जाएगी। गाइस देखिए यहाँ पर लायन एलिमेंटल, अरे सूट तो सारे के सारे लॉक है। $1 से लेके $100 million के लायन एलिमेंटल के सूट है। मेरे को यार $1 चाहिए जिससे कि मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर पाऊँ कि सच में यहाँ एलिमेंटल के सूट मिलते भी हैं लायन के या नहीं। लेकिन इतना पैसा भी नहीं है यार, आप प्लीज वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जिससे कि मुझे कुछ पैसे ही मिल जाए। कोई पैसे ही दे दे इस गरीब को। देखो एक्सीडेंट हो गया बुड्ढे का। बिल्कुल सही कहा भाई, अरे मरने दो बुड्ढे को और जिंदगी का बोझ खत्म होगा और धरती का भी। बिल्कुल सही कहा। गाइस ये क्या चल रहा है, इतने सारे लोग किसको बुड्ढा बुड्ढा कहे जा रहे हैं? एक मिनट, बेचारे अंकल कार के नीचे फंसे हुए और ये सभी बुजदिल लोग हंस रहे हैं इन पर। यार ह्यूमैनिटी को क्या हो गया है दोस्तों, ये लोग लिटरली में मासूम अंकल की इतनी बुरी हालत पर हंस रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस कार को उठाओ, ये किसकी कार है? मेरे को नहीं पता बेटा, मैं गरीब आदमी, मुझे बचाओ। मेरी कार पे टक्कर मत मारना, मारूंगा। हट यहां से बेवकूफ। अरे बाप रे, मैं इस कार को कैसे हटाऊं यार? ए मुझे कार की चाबी दो, मुझे कार को यहां से मूव करना है। ओह नो, अगर मैंने कार इधर से उधर की तो अंकल दब सकते हैं। अंकल प्लीज आप बाहर आए कुछ कीजिए, मैं बाकी कार को थोड़ा सा उठाता हूं। गाइस प्लीज यार, अब तो वीडियो लाइक कर दो अंकल के लिए, चैनल सब्सक्राइब, मुझे आप अंकल की मदद करनी होगी। कितने बुरे लोग हो तुम, ये ले तेरी तो चुपचाप यहां पर कार की चाबी निकल। अबे मारता है मेरे को, चलो भाई पीटते हैं इसको। ए तू मेरे बॉस को मारता है? अरे बाप रे गाइस, ये तो बॉडीगार्ड निकला, सॉरी माफ कर दे मुझे। वैसे मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ, डेविल तो तुम लोग हो, मासूम अंकल को इतनी पूरी तरह से तड़पा रहे हो।
गाइस मुझे कोई और ट्रिक निकालनी पड़ेगी आइडिया। सबसे पहले मैं इन सभी की बैंड बजाऊंगा, उसके बाद अंकल को बचाऊंगा। लेकिन मैं इनकी बैंड कैसे बजाऊं यार? एक मिनट गाइस, उधर क्या रखा है? गाइस यहाँ पर तो एक सीवर है। अरे बाप रे गाइस, एक मिनट, ये तो कुछ बॉम्ब्स हैं। लेकिन एक मिनट, ये कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं है गाइस, ये तो शायद स्मोक बॉम्ब लग रहा है मुझे। देखिए, अगर ये बॉम्ब मैंने कार के पास फेंक दिया, लोगों के पास, तो जरूर वो बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद मैं उस कार को मूव करके अंकल को बचा लूंगा। जल्दी जल्दी चलता हूँ गाइस, मुझे यहाँ पर एलिमेंटल लायन का सूट भी चाहिए और साथ साथ में अंकल को भी बचा रहा है। यहाँ पर मैं नेकी और अच्छाई के काम करूंगा, तो ऊपर वाला और आप सभी मेरी मदद जरूर करेंगे। ये अबासी का हो रहा है, अरे मुझे बैग। वाह गाइस, फाइनली मैंने उन सारे के सारे मूर्खों को बेहोश कर दिया। अब जल्दी से आगे जाता हूँ। ये लो तुम्हारी, तो ये लो, बेचारे अंकल को परेशान करते हो। अंकल जी, ओह माय गॉड, अंकल मेरी बात सुनिए, आप प्लीज ऐसी रहिए, मैं यहाँ पर कार को इधर से उधर मूव करने की कोशिश करता हूँ। ये लो गाइस, मैंने यहाँ पर कार के शीशे तोड़ दिए जिससे कि मैं इसके अंदर घुस सकूँ। चलो अब जल्दी से इसके अंदर जाते हैं, फाइनली लॉक टूट गया है। अरे बेटा, इसे तो मैं मर जाऊंगा। अरे रुक, तो मेरी बात सुनो, कहीं से बुलडोजर ढूंढ के ला, वरना मैं बचूंगा। बुलडोजर, उसे क्या होगा? उससे तो कार को पलट देना है, उसके बाद मैं बच सकता हूँ मेरे बच्चे। ठीक है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आपके लिए बुलडोजर लेकर आता हूँ, लेकिन प्लीज आप यही रहना। बिल्कुल, अगर मैं बच गया तो तुझे $1 दूंगा। क्या, $1? ठीक है, क्या बात है गाइस, अंकल ने मुझे पैसे देने की बोले है। $1 का इस्तेमाल करके हम लायन एलिमेंटल का ना सूट खरीद लेंगे। क्या बात है, वाला प्लान बहुत बढ़िया है। चलो जल्दी से अभी काम करता हूँ, बुलडोजर में बैठता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, बस उम्मीद करता हूँ ये बुलडोजर काम कर जाए और उस कार को उठा दे वहां से। मुझे बेचारे अंकल को बचाना होगा, देखिए वो कैसे तड़प रहे हैं। जल्दी कर, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है। रुकिए, बस मैं पे अपनी पूरी ताकत से इस वाले कार को उठा के रहूंगा। कम ऑन फ्रैंकलिन, तू कर सकता है। फाइनली, क्या बात है, मैंने कर दिखाया गाइस। वैसे सच बताऊं तो मैं थक गया। अरे बाप रे, अरे वाह बेटा, बस थोड़ा सा उठा दे इसको। क्या बात है, तूने कमाल कर दिया, मेरी टांगों में बेशक दर्द है लेकिन अब मुझे रिलीफ मिल रहा है। क्या बात है अंकल जी, चलिए जल्दी से उठ जाइए, आपको यहाँ पर चलना फिरना होगा जिससे कि आप पापाइज ना हो। अरे बच्चे, बहुत शुक्रिया तेरा। तेरा नाम क्या है? अंकल जी, मेरा नाम फ्रैंकलिन है और मुझे यहाँ पर ना एक बहुत ही जरूरी काम करना है, इसलिए आपने बोला था वो $1 के बारे में। बिल्कुल सही कहा बेटा, मैं तुझे $1 देता हूँ, तू यहाँ पर दुनिया को खूब भलाई कर और दुनिया को अच्छा बना। जैसे तूने इस बुड्ढे की मदद की, ऐसे और लोगों की भी करना। बिल्कुल अंकल, ये ले, मैं तेरे अकाउंट में $1 ट्रांसफर कर देता हूँ। फाइनली गाइस, हमारे अकाउंट में $1 आ चुका है, थैंक यू सो मच अंकल। चलो गाइस, अब जल्दी चलते हैं, $1 में हम टेस्ट करेंगे उस वेबसाइट को कि क्या सच में $1 में हमें कोई एलिमेंटल लाइन का सूट देगी या नहीं, और कौन से एलिमेंटल लाइन का सूट होगा ये भी मुझे चेक करना है गाइस। $1 में क्या ही मिलता है आजकल, लेकिन कोई बात नहीं। अरे बाप रे, ये तो अर्थ एलिमेंटल लाइन बेबी का सूट है, इसको बाय करता हूँ। एक मिनट गाइस, ये साइट रियल है, मुझे इसने ना $1 में अर्थ एलिमेंटल गॉड का सूट दे दिया, मतलब मैं लायन अर्थ एलिमेंटल बन चुका हूँ। लेकिन मेरे पास शक्तियाँ आई हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता। कोई नहीं गाइस, मुझे अभी ना इससे भी बढ़िया बढ़िया एलिमेंटल लायन के सूट चाहिए, उसके लिए मुझे और पैसे कमाने पड़ेंगे। एक मिनट, ये पुलिस वाले इतने परेशान क्यों है? अरे मैं बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा, मैं क्या करूँ? अंकल जी क्या हो गया? अरे बहुत ही खतरनाक रेडल की गैंग आई और उसने यहाँ पर बैंक में डाका डाला, मैंने उसको रोका इसलिए उसने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया और वो बैंक भी चोरी करके ले गया। प्लीज तू जो भी है बच्चे, जा के सरकार की मदद कर, मेरे बेटे को बचा, मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे सरकार से इनाम दिलाऊंगा, बहुत सारे पैसे दिलाऊंगा। क्या बात है गाइस, अगर हमने पुलिस अंकल की मदद की तो ये हमें सरकार से इनाम दिलाएंगे और मुझे इनके बेटे को भी बचाना होगा। शुक्रिया अंकल वैसे तो, लेकिन मैं जाता हूँ जल्दी जल्दी और जाकर उस रेडल की पैन में जाता हूँ, वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ। एक मिनट, अरे बहुत मजा आ गई, यहाँ पर बच्चा भी मिल गया और लेकिन ये तो एलिमेंटल शेर का बच्चा लगता है, चल यहाँ से निकल जा, तेरी कोई एंट्री नहीं है बेवकूफ, जान से मार दूंगा। जोड़ मुझे कितना, अरे बाप रे कितना बुरा मारा, निकल जा यहाँ से मूर्ख। बहुत जोर से मारा गाइस उसने, मैं उसको छोड़ने नहीं वाला हूँ। गाइस मैं यहाँ पर छोटा सा लायन बेबी बन गया हूँ, इसलिए उससे लड़ भी नहीं सकता, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, सामने तो RPG रखी है, ये रॉकेट तो रेड की गैंग की और उसकी बैंड बजा देगी, लेकिन मैं उसको चला नहीं सकता। आइडिया, मैं इस रॉकेट को ना उस जाल के नीचे से निकल के उस बच्चे को देता हूँ। मैं नहीं चला सकता तो क्या हुआ, वो बच्चा तो जरूर चला सकता है। जल्दी जल्दी जाता
जाता हूँ गाइस, जल्दी जल्दी जाता हूँ। वो जाल ना गाइस लिटरली मैं छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर मैं भी तो छोटा सा हूँ, मैं अपने छोटे होने का फायदा उठाऊंगा और उस जाल के अंदर से उस बच्चे को पहुंचूंगा। हे बच्चे, बच्चे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम डांटे, डांटे, डांटे बेटा ये ले, यहाँ पर इस वाली आरपीजी को ले और इस मोटे रैडल पर चला दे। क्यों मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल गाइस, चलो बाहर निकलते हैं। क्या बात है, देखा गाइस मेरा फायदा जाल में से निकलने और जाने का। और राइट गाइस, अब भी यहाँ पर देखो क्या होने वाला है। मोटी मुच्छड़, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर मैंने इसको मारा तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। भैया जल्दी आ जाओ, बच्चे को बेचना है हमें। ओ नो गाइस, ये रैडल तो बच्चे को बेचने की बात कर रहा है। बच्चे काम कर, तू जाल को तोड़ के मेरे पास आ जा। ठीक है ठीक है ठीक है शेर जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये तोड़ा मैंने जाल। क्या बात है गाइस, बच्चा बड़ा समझदार है। अरे ये धमाका कहाँ हुई? चल जल्दी भगते हैं यहाँ से, मुझे तेरे पापा तक तुझे पहुंचाना है। कम ऑन गाइस, अभी मैं पैसे तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने इस बच्चे को तो बचा लिया। आ जा डांटे, जल्दी आ जा। अरे वाह, मेरा बेटा आ गया। बिल्कुल अंकल जी, मैं आपके बेटे को एकदम सही सलामत लिया। बिल्कुल पापा जी, बहुत ही अच्छा शेर का बच्चा है, इसकी मदद कीजिए, इसको एलिमेंटल गॉड बनाने में पैसे दे दीजिए। बिल्कुल, मैं यहाँ पर सरकार से जितना भी इनाम तेरे नाम आया है मैं तेरे कान में डाल देता हूँ। वाह, मेरे पास $5,00,000 आ गए। थैंक यू सो मच अंकल जी। क्या बात है गाइस, अब यहाँ पर जल्दी जाते हैं और $5,00,000 में ना कोई बढ़िया सा लायन एलिमेंटल की सूट शॉप से बढ़िया सा सूट खरीदेंगे लायन का। चेक करते हैं, एक मिनट गाइस, आगे वाला सूट तो $1,000,000 का है और मेरे पास सिर्फ $5,00,000 है यार। मुझे अभी $5,00,000 और चाहिए, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? आइडिया गाइस, रेडल के पास ना वो जो बैंक से चुराया हुआ पैसा था वो बहुत ज्यादा था। चलो वहीं चलते हैं और जाकर उस वाले पैसे को चुरा लेते हैं, फिर यहाँ पर जरूर मैं एक और बढ़िया एलिमेंटल लायन में कर। एक मिनट, ये क्या? मेरा बड़ा भैया मुझे माफ कर दो। अरे तूने उस बच्चे को जाने कैसे दिया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे सजा मिलेगी। भैया मेरी बात मानो, वो कीड़ा सा लायन उसको ले गया, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड से बोल दिया हूँ, इस बार वो वापस आया तो मरेगा। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर मुझे किसी भी हालत में पैसे चुराने होंगे। ये लोग तो मुझे मारने की फुल प्लानिंग बना रहे हैं। मुझे ताकतवर गॉड बनना है, लायन एलिमेंटल गॉड बनना है। वाह गाइस, यहाँ पर सबसे पहले इसके ये ले। फाइनली गाइस, अब जल्दी से काम करता हूँ, एक वाले बॉडीगार्ड मारता हूँ। अरे को मार रहा है, तुझे बॉस बचा है। अरे बॉस बचा ले। अरे किसकी आवाज आई गाइस? रेडल को पता चल जाएगा, जल्दी से सारा पैसा अकाउंट में ऐड करता हूँ। वाह, मेरे अकाउंट में $1,000,000 हो चुके हैं, $5,00,000 मुझे और मिल गए। मार दूंगा तुझे, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा कीड़े। भैया मारो उसको। नहीं गाइस, मुझे किसी भी हालत में अपनी सुपर पावर्स एक्टिवेट करनी होंगी। अब तो तू मरेगा, अपनी पावर्स एक्टिवेट नहीं करेगा। हा हा हा, बिल्कुल भैया मार दो, बर्बाद कर दो। अरे उसने हमारा सारा पैसा चुरा लिया। गाइस मुझे जल्दी छुपना होगा, ये तो मुझे मार देगा। गाइस प्लीज मेरी हेल्प करो, जल्दी से कमेंट में जल्दी से एटीके मरोपी लिखो, जिससे कि यहाँ पर मेरी अर्थ एलिमेंटल लायन गॉड की पावर एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर ना मैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ फैला दूंगा, फिर यहाँ पर ये जायंट वाला रेड रिवेंजर मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। प्लीज गाइस जल्दी एटीके मरोपी लिखो, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर मेरी पावर काम करेंगी। वाह क्या बात है, काम कर गई। अरे भैया ये क्या, ये तो पूरा जंगल उग गया, लगता है उस छोटे से बच्चे ने अपनी पावर्स इस्तेमाल की है। अरे भैया सारे पेड़ उखाड़ दो, बाकी मैं जाकर उसको ढूंढता हूँ। गाइस यही सही मौका है, अब मैं यहाँ पर छुप छुप के ना सीधा इस जंगल से बाहर निकल जाता हूँ और बहुत दूर पहुंच जाता हूँ, फिर वहां जाकर एक बढ़िया सा एलिमेंटल लायन गॉड का सूट खरीदूंगा, उसके बाद मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरी बहुत, एक मिनट ये क्या? अरे सामने ही आ गया तू तो। अरे बाप रे ये क्या, प्लीज मैं, अरे बाप रे ये क्या, मार दूंगा, मेरे पास लेकर आ उसको। आइडिया गाइस, क्यों ना मैं रेडल को अपने पीछे लेकर आऊं। और देखिए रेड रिवेंजर हल्क ना पेड़ों में बहुत बुरे बुरे पंचेस मार रहा है, मैं यहां पर अपने पेड़ के नीचे छुप जाऊंगा और रेड रिवेंजर हल्क अपने छोटे भाई को ही बुरी तरह से डैमेज कर देगा। जल्दी चलता हूं। ओके गाइस मैं उसकी लाइन में हूं। ए हिम्मत है तो मार मुझे रेड रिवेंजर। मार दूंगा। अरे भैया आपने मुझे मार दिया। अरे तो तू जंगल में क्या कर रहा है, बाहर निकल मूर्ख, कहां गया वो, कीड़े को मार दूंगा। अरे आप मुझे अभी भी मार रहे हैं। वाह गाइस मेरा प्लान काम कर गया, अब चलो जल्दी यहां से निकलते हैं। भाई मुझे माफ कर दे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हे कहां है, मैं तुझे मसल दूंगा। फाइनली गाइस मैं उस जंगल से दूर आ चुका हूं। ऑलराइट दोस्तों, ये वाली जगह काफी बेटर लग रही है। अब आपका फ्रैंकलिन यहां पर $1,000,000 में लायन एलिमेंटल सूट शॉप से एक और नया सूट खरीदने जा रहा है। अरे वाह, ये तो वाटर एलिमेंट से बना हुआ लायन एलिमेंटल गॉड का सूट है, जिसको मैंने जस्ट अभी बाय किया है। क्या बात है गाइस, ये कितना प्यारा लग रहा है, वाटर एलिमेंटल लायन गॉड। गाइस मेरे पास जरूर किसी भी चीज को पानी में बदलने की शक्तियां होंगी, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और गाइस मुझे अभी और भी पैसे कमाने हैं, जिससे कि मैं यहां पर पहले तो गाइस पावर ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्यों ना गाइस हम यहां पर सामने रखी मशीन को, अरे वाह क्या बात है, देखिए इसमें से पानी निकल रहा है।
क्या बात है गाइस, अब मैं कहीं भी किसी भी समय किसी भी चीज को पानी बदल सकता हूँ। मजा ही आ गया। एक मिनट दोस्तों, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे बाप रे, पूरे लॉस सैंटोस की पब्लिक कहाँ गई? एक भी आसपास नहीं है। शायद मुझे न्यूज चेक करनी चाहिए। बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, अवेंजर्स के स्टार्क मेंशन पे हमला कब्जा हो चुका है। अब अवेंजर्स कहीं कहीं नहीं रहे। जिसने भी उनकी मदद की, माना गया अवेंजर्स उसको माला माल कर देंगे, 100-200 मिलियन डॉलर देंगे। क्या 100-200 मिलियन डॉलर मिलेंगे अवेंजर्स की मदद करने पर? क्या बात है गाइस, चलो जल्दी चलते हैं। वैसे भी मुझे अवेंजर्स को दिखाना है कि उनका फ्रैंकलिन यहाँ पर वाटर एलिमेंटल गॉड बन गया है। हल्क बर्बाद हो गया, पता नहीं फ्रैंकलिन भी कहाँ है यार। हे गाइस, कैसे हो? एक मिनट फ्रैंकलिन, अबे तू कोई शेर है तू फ्रैंकलिन थोड़ी है। मैं फ्रैंकलिन हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अबे मैं यकीन नहीं मानता। गाइस कमेंट में यस लिखो ना, जिससे कि स्टॉक को यकीन हो जाए। तू मुझे बताएगा यहाँ हुआ क्या है? अरे तू पहले ये बता, तूने फ्रैंकलिन की आवाज कैसे कॉपी की? शेर जो भी है तू। अरे मैं वाटर एलिमेंटल गॉड बन गया हूँ। गाइस कमेंट में प्लीज यस लिखो, जिससे कि इसको यकीन हो जाए। साथ साथ में वीडियो लाइक भी कर देना। अच्छा चल ठीक है, मान लिया। अभी तू कहाँ जा रहा है? अरे मैं जा रहा हूँ तुम्हारी स्टॉक मेंशन को बचाने। गाइस एक मिनट, ये क्या स्टॉक मेंशन पे कब्जा ब्लैक रिवेंज ने कर रखा है? ए, सामने से हट। नहीं हटूंगा, क्या कर लेगा तू? अच्छा मैं क्या कर लूंगा? अबे रुक, कहाँ भागता है मूर्ख? अरे रुक ना, मेरे को तेरे को पानी बनाना है। क्या पानी बनाना है? ओए तू पागल वागल हो गया क्या? क्या बकवास कर रहा है? अरे जॉर्ड मैं पागल नहीं हूँ, पागल तू है। अरे कितनी ऊंची फेंकी, अरे बाप रे, और कितना मारेगा, बॉल बना बना के मार रहा है। गाइस उसने तो मुझे स्टॉक मेंशन से बाहर ही फेंक दिया। इस बार मैं सीधा नहीं जाऊंगा, मुझे छुप छुप कर सबसे पहले उसकी आर्मी को पानी में बदलना होगा। उसके बाद हम बड़े वाले ब्लैक रिवेंजर को भी पूरी ताकत से अपनी एलिमेंटल शक्ति इस्तेमाल करके उसको पानी बदल देंगे। फिर स्टॉक मेंशन को बचाकर हमें 100 मिलियन डॉलर में एक लायन एलिमेंटल का सूट खरीदने मिलेगा। गाइस ये कितना बड़ा है और कितना ज्यादा खतरनाक है। गाइस सबसे पहले मैं इसके सबसे पास वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को पानी में बदलता हूँ। इसने तो मेरे को बुरी तरह से मारा था, इसलिए मैं उसके पास तो गलती से न जाऊं। ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पर अपनी शक्तियां ट्राई करने वाला हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये जो सामने दिख रहा है ना, उसको पानी बदलना होगा। एक मिनट चुपचाप जाता हूँ यहाँ से। ये मारा हुआ, क्या बात है गाइस, मुझे बस कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इसी तरह से मैं करता रहूंगा। एक को तो मैंने पानी में बदल दिया, ये कौन है नीचे? अरे बाप रे, इसको पता चल गया। निकल जा, तूने क्या किया मेरे चेले के साथ? तुझे जान से मार दूंगा मैं। अरे दोस्तों ये क्या, ये तो बहुत खतरनाक निकला। रुक, मैं तो अभी तुझे कच्चा चुबाता हूँ। नो ना, अरे कहाँ फेंक दिया? अरे बाप रे, शुक्र है मैं स्टॉक मेंशन से बाहर तो नहीं गिरा, कम से कम मेरी हालत खराब कर दी उसने। उसको मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। एक मिनट गाइस, मैं उससे डायरेक्ट नहीं लड़ सकता और वो इतना बड़ा है कि मैं उसको पानी में भी नहीं बदल सकता, वरना मुझे कॉन्सेंट्रेट करते करते इतना टाइम लग जाएगा कि अगर उसने गलती से मुझे देख लिया, स्पॉट कर लिया, तो मैं यहाँ पर जान से मर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों मुझे काम करना पड़ेगा, टोनी स्टार्क के स्टॉक मेंशन में जाना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पर मेरे को भी बढ़िया सा गैजेट मिल जाए, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज़्यादा विशाल है आइडिया। हम एक काम करते हैं, स्टॉक मेंशन में जाते हैं, मतलब उसकी लैब में, और देखते हैं क्या पता हमें वहाँ पर कोई बढ़िया पावर। एक मिनट ये क्या हो रहा है? एक मिनट गाइस, अरे वहां सामने तो गोल्ड रखा है, लेकिन यहाँ तो आग। अरे वाह, जैसे ही मैं यहाँ पर आग के पास आया, मेरे पानी की पावर मैं पानी से बनाऊ, इसलिए मेरे को करंट लग गया। छोड़ मेरे को, अरे बाप रे, बहुत बड़ा करंट, बच गया मैं। गाइस यहाँ पर ना मेरे को जल्दी से वो जो गोल्ड रखा है उसको लेना पड़ेगा। सोचिए अगर वो गोल्ड मैंने अपने एलिमेंटल लायन के सूट को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया तो कितना बढ़िया होगा। गाइस ये वाला आइडिया बहुत सही है, जल्दी से काम करता हूँ। यहाँ पर इस जितना भी गोल्ड है इसको मैं पैसों में ले लेता हूँ। कमोन कमोन मुझे तो लिटरली में 60 मिलियन डॉलर में फायर एलिमेंटल गॉड का सूट मिल चुका है। लिटरली मैं फायर एलिमेंटल गॉड बन गया हूं मैं। क्या बात है, अब तो मैं यहां पर इनको छोड़ूंगा नहीं, अब मैं फायर एलिमेंटल लायन गॉड बन गया हूं। ये रहो, अब तुम सबको मैं आग में चला दूंगा। अरे तू पागल हो गया है? हा हा हा, कार्टून लग रहा है तू, शेर रही कार्टून। अच्छा अभी तुम्हें पता चलेगा कार्टून क्या कर सकता है। ओके दोस्तों, अब यहां पर मैं अपनी पूरी ताकत से स्टॉक मेंशन में जितने भी ब्लैक रिवेंजर हल्क हैं उन सभी में आग लगाने वाला हूं। अरे बॉस देखो ये पागल हो गया। अच्छा ये, अरे बाप रे ये क्या, अरे मैंने आग लगाई लेकिन मुझ में लग गई नहीं। हा हा, अरे देखो 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 कैसे आग लग रही है उसमें। अरे बाप रे, मुझे जल्दी से पानी में जाना पड़ेगा, मैं तो चल रहा हूं, मुझे पता नहीं था कि खुद की आग से मैं खुद ही चल सकता हूं। नहीं,
पानी में जाता हूँ, पानी में जाता हूँ, जल्दी कुत्ता आया, चलो 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 चलो। शायद गाइस मुझे अभी फायर एलिमेंटल लायन की पावर्स इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आई है, इसलिए मैं यहाँ पर फेलियर रहा। लेकिन मैं बार बार हारूंगा नहीं, इस बार मैं यहाँ पर जरूर आग लगाऊंगा। ऑलराइट गाइस, इस बार मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करूंगा। कमॉन फ्रैंकलिन, तू कर सकता है, कमॉन 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 कमॉन। वाह क्या बात है गाइस, मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया और देखिए क्या ही खतरनाक आग लगा दी। अरे चला दिया रे। एक मिनट, लेकिन इनकी वजह से तो पूरे स्टॉक में सिर में आग लगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता था। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने। अरे यार गाइस, मैंने अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया और ब्लैक रिवेंजर में तो आग लगी लेकिन पूरा का पूरा स्टॉक में जल रहा है। अगर यार टोनी स्टार्क और अवेंजर्स को पता चला कि मैंने उनके एनिमी को हराने के साथ साथ उनका स्टॉक मेंशन भी तबाह कर दिया तो वो मुझे पैसे देने की जगह पीट पीट कर स्टॉक मेंशन से बाहर निकाल देंगे। अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही आइडिया। मैं एक काम करता हूं, स्टॉक से बोलता हूं वो फायर ब्रिगेड लाए और जितनी भी आग है उसको यहां पर बुझा दे। टोनी स्टॉक, अरे बाप रे ये क्या हो गया। अबे तूने क्या कर दिया ओए फ्रैंकलिन, तूने तो हमारा स्टॉक मेंशन ही जला दिया। अरे यार मुझे माफ कर दो। अरे हम इसको पैसे नहीं देंगे, इसने हमें बर्बाद कर दिया। ओडिन की कसम, निकल जाओ यहां से। नहीं 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 गाइस, ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग यार, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, पहले हमारा स्टॉक मेंशन टेक कर। अच्छा ठीक है मैं यहां पर कुछ देखता हूं। गाइस ये कितने बुरे हैं लिटरली, मैंने यहां पर एक मिनट गाइस, ये तो फायर ब्रिगेड है। आइडिया, मैं यहां पर खुद ही इस कार को चलाने की कोशिश करता हूं। वाह मैं कार चला सकता हूं गाइस। हां ऑब्वियस सी बात है, मैं एक एलिमेंटल लायन गॉड हूं। मैं अरे बाप रे फायर ब्रिगेड क्यों नहीं चला पाऊंगा, क्या बात है गाइस। अब जल्दी चलते हैं और जाकर इस खतरनाक फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी स्टॉक मेंशन की आग को बुझाते हैं। वाह गाइस वाह, फाइनली मैंने यहां पर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से चारों तरफ की स्टॉक मेंशन में जितनी भी आग लगी थी उसको बढ़िया तरीके से बुझा दिया है। ऑलराइट गाइस, अभी जान में जान आई, अब तो मुझे यहां पर 100 मिलियन डॉलर मिलेंगे। अवेंजर्स अवेंजर्स, मैंने अपना काम कर दिया। ये झूठ बोल रहा है, इसने स्टॉक मेंशन तबाह कर दिया। अरे सच बोल रहा हूं, जाकर देख लो तुम्हारा स्टॉक मेंशन बिल्कुल सही हो गया। अब प्लीज मुझे मेरी जल्दी से पेमेंट कर दो। चलो हम देखेंगे फिर तुझे बताएंगे कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। अरे क्या बात है फ्रैंकलिन, क्या बात है गाइस, इसने तो यहां पर ब्लैक रिवेंजर की आर्मी को हरा दिया और हमारा स्टॉक मेंशन ही बचा लिया। लेकिन भाई अब तो पेमेंट कर दे। बिल्कुल, अब मैं यहां पर तुझे पूरे के पूरे 100 मिलियन डॉलर तेरे अकाउंट में कर देता हूं। ये रहे 100 मिलियन डॉलर फ्रैंकलिन के अकाउंट में ट्रांसफर, डन। क्या बात है गाइस। ऑलराइट दोस्तों, मैं यहां से पहले दूर भाग जाता हूं क्योंकि यहां पर मेरे अलावा किसी को भी उस साइट के बारे में पता नहीं चला चाहिए। पता चले अवेंजर्स मुझसे ही बेटर एलिमेंटल लायन गॉड के सूट खरीद लेंगे तो मेरे में क्या खास रहेगा। गाइस देखिए, ये एक लास्ट सूट होने वाला है, पता नहीं कैसा होगा। चलो, अरे भाई ये तो एक आइस लायन एलिमेंटल का सूट है। देखिए मैंने जैसे सूट को पहना, मेरे आसपास जितना भी एरिया है वहां पर ठंडी ठंड हो चुकी है। अभी चलो गाइस सिंचर पिंचर चॉप को अपनी पावर्स दिखाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।